क्या कर रहे? देखने इसको लग गए आपको? देखा करते ऐसे दिखता है क्या? नहीं बाल दिखता कितने बड़े पर बड़े हो गए देखो। हाँ ये आप से आ रही है नींद आ रही है, नींद आ रही है वापस से। ए बाबा, एक भाई साहब वो झूले में झूलंग झूली कर रहे हैं। प्रियांश क्या हो गया रहा? खेला हो गया तो क्या बोलता है प्रियांश? बेनू की माँ कहाँ है बोलता है। प्रियांश बोलता है बेनू की माँ कहाँ है, मतलब पहले माँ बोलता था ना। हाँ, अब बेनू की माँ। क्या है ये? फूल है। फूल है गुलाब का? चमेली का मत समझना। बाहर खेले, चलो चल, बाहर खेले, बाहर खेले, बाहर खेले, चलो यहाँ चिल्लाना नहीं है ना। सो रही है ये बिटिया। ये मच्छरदानी में लेके आया था अभी खरगोन से, पर दिखा नहीं पाया आप लोगों को इसके लिए। और आज हम इनका नाम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या रखा है हमने नाम। अभी तो मच्छरदानी के अंदर सो रहे हैं। हमारी छाप कहाँ है? छाप छाप को मार दिया मंडी में। चिड़िया कुत्ता छोड़ दिया, चिड़िया को तू छोड़ दिया। तो एकदम मोगली बन गया रे, एकदम हमारा मोगली भाई साहब भाग गया। मोगली जब मोगली भागा कल बहुत ज़्यादा ये बोलने लग गया है। रियांश बोलना अच्छा सीख गया है। और देखो अब बारिश के टाइम में हमने भिंडी लगाई थी ना सामने, और अभी तक चल रही है। देखो ये भिंडी अभी तक हम सब्जी बना रहे हैं, इसकी लगी हुई है और भी सब जगह पे। और भिंडी के साथ साथ में हमने जो मिर्ची लगाई थी वो भी अब अच्छी लगने लग गई, तो मिर्ची की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। हरी मिर्ची होती है ना उसकी, देखो यहाँ लग चुकी है और इसमें भी लगी हुई है। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मिर्ची के दूसरी जगह पे भी, तो यहाँ से हम लोग मिर्ची तोड़ लेते हैं। ये देखिए, और लास्ट वीडियो में देखा था इनके बीज भी नहीं आए थे अच्छे से, पर इसमें बीज भी आ गए हैं। देखिए इसको मैं दिखाता हूँ अंदर, तुअर की दाल कैसी होती है। अंदर से कुछ इस तरीके से रहती है तुअर की दाल, ऐसे निकलती तुअर की दाल। फिर ये येलो दाल, पीली दाल जिसको आप लोग पीली दाल बोलते हैं, वही है ये। सिटियों में, सिटी में आपने देखा होगा कि जो ये कड़ी पत्ता रहता है जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, ये कितना महंगा मिलता है। और हमारे यहाँ देखो दो दो तीन तीन इसके बड़े बड़े पौधे हैं। काफ़ी लोग हमारे यहाँ से ले भी जाते हैं आसपास के, हम वैसे ही दे देते फ्री में। अभी आप लोग भी आओ तो आप लोग भी ले जा सकते हो थोड़ा बहुत कड़ी पत्ता क्योंकि काफ़ी महंगा मिलता है ये। और एक शायद अमेरिका के सब्सक्राइबर थे तो उन्होंने बताया था कि $1 या $2 पता नहीं इतने का कुछ थोड़ा सा देते हैं। और यहाँ देखो कितना सारा है ये, और एक वो। ऐसे तुअर की दाल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि ख़रीदना नहीं पड़ती है दाल, यहीं से हो जाती है दालें। देखो ये इतने सारे गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं दाल, इसमें सब दाल निकलेंगे। कितने सारे दिख रहे हैं देखो, ये जितने भी दिख रहे हैं इसमें सब में से दालें निकलेगी, दाल ही दाल, दाल ही दाल। और हम लोग पानी गर्म करने के लिए भी ये लकड़ियों का यूज़ करते हैं, जिसकी बाहर पड़ी हुई है ये, जो भी टूट जाती है और गिर जाती है उसको सुखा देते हैं ऐसे धूप में। साथ धूप निकली है तो धूप में ऐसे रख देंगे, ये सूख जाएगी और दो तीन दिन में, और फिर जलाने के काम में आ जाएगी। तो ताज़ी नहीं काटते, मतलब जो टूट जाती है अपने आप उसी का। ये देखिए काकी ने बताया, जो शिवानी की मम्मी है ना, उन्होंने बताया कि शिवानी का जो छोटा भाई है पीयूष, उसको पीलिया हो गया और डॉक्टर को दिखा लिया बहुत बार पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो अब हम लोग जा रहे हैं भगवानपुरा, काका और मैं, जो मेरे अंकल हैं दूसरे वाले, उनके साथ जाऊंगा। और पता नहीं कोई सी जगह पर ले जाएंगे, धागा का कुछ बोलते हैं, वो धागा करवा के लाना है, बंधवा के पता नहीं उसमें कुछ करते हैं, तो वो करवा के लाते हैं और फिर उसको बांधना है पीयूष को, शायद उससे ठीक होता है ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता उस बारे में, देखते हैं। मैंने बताया था पीयूष के लिए हम लोग आ गए हैं धागा लेने के लिए पीलिया का, तो जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, मतलब डॉक्टर वॉक्टर के उससे, तो धागा वगैरह लेना है काका और में, देखते हैं कैसा क्या रहता है। और काका उधर
सो जो ये घर दिख रहे हैं सब सरकारी घर टाइप दिख रहे हैं, और ये काका खड़े हैं, देखो कैसा बाल्टी का भर भर के वो हॉस्टल वाली बेचारी लड़कियाँ ले जा रही है पानी। होता क्या धागे से पिल्लिया क्या होता है, उतर जाता है अपने करके देखा है, यहीं से ले जाते हो। तो नहीं पता कि ये धागे से होता क्या है, पर काका बोल रहे हैं कि पिलिया उतर जाता है, है ना काका? काका बोल रहे उतर जाता है, मुझे तो पता नहीं है पर देखते हैं, मतलब इतना मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप लोगों को होगा क्या पता। क्या क्या करते धागे में करते क्या? दवा लगाते हैं, दवा लकड़ी काट काट इन लगा ले, अच्छा बांध दो सो उतरे सो वक्त तो जाए, जैसे बांध देते हैं फिर उतर जाता है वक्त के साथ, है ना। यहाँ आसपास सारे जो पुराने गवर्नमेंट के जो मकान बनते थे वैसे बिक रहे थे, वो क्वार्टर जो पुराने बनते थे बहुत साल पहले। इस एरिया में मैं पहली बार आया हूँ भगवानपुरा के, वरना इससे बाहर बाहर रोड तो आपको बहुत बार दिखाया भगवानपुरा, जो हमारे यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है 5 किलोमीटर, बट यहाँ पहली बार आया हूँ। शायद बन गया, ले चलते हैं। ले लिया देखो, ये इस तरीके से आता है, देखो धागा बनता है। चलो सो आ गए हम लोग धागा वागा लेके। धागा लिया है, वो पीयूष वो लेटा हुआ है, उसको पीलिया हो गया है, डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो गए, ठीक नहीं हो रहा, तो अब ये धागा करवा रहे सपने में। सपना देख के हंस रही, हंसो हंसो दादी, हंसो ज्ञान, हंसो हंसो दादी, जबरदस्ती हंसाता ना, कभी हंसने नहीं देता है। यस यस यस, सपना देख रही है वो, जैसे कि मैंने बोला था, बताऊंगा मैं इसका नाम, अभी तक सॉरी है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। हम क्या इसका नाम बताओ, रुवांशी, क्या नाम है दीदी इसका? इसका रुवांशी की, वाह वाह आपको भी याद है, तो इसका नाम रुवांशी है, रखा किसने मम्मी? तूने रखा? कौन रखा था दीदी, पता आपको? तूने रखा? ओ दीदी, ओ दीदी, नाम मुझे नहीं पता, कौन रखा भैया, रखा के कौन भैया? छोटा तो रखा, मैं रखा था, मुझे नहीं पता, मुझे तो छोटा रखा है, बाद में कौन ये बोल रहे, मुझे भी ऐसा लगा छोटा रखा, नहीं मैंने रखा था, तो इसका नाम भी मैंने ही रखा। देखो जम रहा है ना इसके ऊपर, रुवांशी, रियांश और रुवांशी दोनों भाई बहन, अच्छा नाम है ना दोनों का बराबर। कितना बोलने लग गया रे मोगली, क्या कहा है, क्या ढूंढ रहा है? मैं कलर ढूंढ रहा हूँ। कलर ढूंढा हूँ, कलर का है, कलर वो रहा, वो रहा नीचे, वो रखा पता नहीं कहा, ये रहा कलर, अरे बॉडीगार्ड, अरे ले गया रे, इसमें कलर है कलर। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मैं नाम रिवील कर दूंगा, और काफ़ी लोगों ने गेस करने की बहुत कोशिश करी आर से, और पर शायद कोई गेस नहीं कर पाया अभी तक, जब तक मैंने कमेंट चेक करे हैं, ज़्यादातर लोगों ने राधिका, रिया ऐसे 2-3 नाम कॉमन ज़्यादा बताए हैं, बट आप लोगों का पता चल चुका है उसका नाम है रुवांशी। प्रोनाउंस तो मैं सही कर रहा हूँ रुवांशी, और कमेंट यहाँ पर भी लिख दूंगा, स्क्रीन पर भी कहीं पर भी, स्क्रीन पे भी लिख के बता दूंगा कि किस तरीके से उसकी स्पेलिंग है और हिंदी में कैसा रहता है, दोनों में बता दूंगा। और बताना कि रुवांशी नाम आप लोगों को कैसा लगा, वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताना कैसा लगा आपको। सो इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड कर देते हैं, अगर ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।